आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस ASO की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका वजन 7 किलो घटा है और कीटोन लेवल भी बढ़ा है। ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। केजरीवाल ने याचिका में यह भी कहा है कि मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच की है और PET सिटी स्कैन और कई अन्य टेस्ट कराने की जरूरत बताई है। इसके लिए केजरीवाल ने अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर बोले PM मोदी, पढ़े देश का कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने को लेकर पूछे गए सवाल पर तंज कसते हुए सलाह दी है। PM मोदी ने केजरीवाल के आरोप पर कि वे तय करते हैं कि किसको जेल भेजा जाए पर कहा कि इनको कानून के नियम पढ़ने चाहिए। PM मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि अच्छा होगा कि ये लोग संविधान और देश के कानून पढ़ लें। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। PM मोदी ने कहा कि मीडिया वाले रिसर्च करें कि सरकार प्रधानमंत्री से क्या सवाल पूछना चाहिए। जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है उनसे पूछिए, ना कि जो आप कह रहे हैं उसका कोई सबूत है क्या। यह ठीक है कि मैं कूड़े कचरे को रिसाइकिल करके उसको खाद में बदल दूंगा और देश के लिए कुछ अच्छी चीजें पैदा कर दूंगा। प्रियंका गांधी का PM मोदी पर तंज, आपदा में एक बार भी नहीं आए हिमाचल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऊना जिले के गगरेट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा के समय एक बार भी हिमाचल प्रदेश नहीं आए। आपदा के राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए 1 रुपया भी नहीं आया। मोदी जी ने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी व अमित शाह ने प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की, धनबल के साथ विधायकों को कभी यहाँ कभी वहाँ छिपाया। यह लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध जनता की आंखों के सामने करने की कोशिश हुई। यह हमारे नेताओं की दृढ़ता थी कि सरकार एकजुट रही। डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड में राम रहीम बरी, हाईकोर्ट ने रद्द किया CBI कोर्ट का फैसला। बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में CBI अदालत ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ राम रहीम ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। रणजीत सिंह सिरसा डेरे के प्रबंधक थे। 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के बाद CBI ने राम रहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 2021 में CBI अदालत ने गुरमीत, राम रहीम सहित 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन दिनों राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। पंजाब में सिक्कों में तोला जा रहा था BSP प्रत्याशी, तराजू टूटने से सिर में लगी चोट। पंजाब के चंडीगढ़ से BSP उम्मीदवार डॉक्टर रितु सिंह को पार्टी कार्यकर्ता सिक्कों से तोल रहे थे, लेकिन इसी बीच लकड़ी का तमगा टूटकर उनके सिर में लग गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गयी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पंजाब में 7वें चरण में आगामी 1 जून को मतदान होगा। राज्य में 13 लोकसभा सीटें हैं। वहीं पंजाब में BJP पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है। पंजाब BJP अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अहम कदम है। सुनील जाखड़ ने दावा किया कि भाजपा इस बार अपने वोट शेयर में काफी सुधार करेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। दिल्ली NCR को और तपाएगा जून, बहुत जरूरी होने पर ही निकले घर से बाहर। दिल्ली NCR में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। राजधानी के साथ नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, फरीदाबाद और गुरुग्राम भी तप रहे हैं। पारा लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि जून महीने में भी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में लोगों को घरों में रहने और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने व पेय पदार्थ ज्यादा लेने की सलाह दी गई है।
वहीं कल तक दिन का तापमान और बढ़ेगा। हालांकि इस हफ्ते के आखिर में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के 61% हिस्से में जून से सितंबर तक सामान्य से अधिक बरसात की भविष्यवाणी की है। दिल्ली से वाराणसी जा रहे इंडिगो विमान में बम की अफवाह से अफरा तफरी, इमरजेंसी गेट से यात्रियों को निकाला। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की खबर से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही विमान को जांच के लिए आइसोलेशन में ले जाया गया। जांच के बाद पता चला कि बम की खबर अफवाह थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार सुबह 5:35 पर दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल QRT मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को आपातकालीन द्वार से बाहर निकाला गया। CISF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट 6E2211 के शौचालय में एक टिश्यू पेपर मिला जिस पर बम लिखा हुआ था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की, लेकिन यह अफवाह निकली। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।